आज हम आपको बताएंगे प्लेनेट आयुर्वेदा स्पेशलिटी के बारे में। यहाँ आयुर्वेद ट्रीटमेंट कैसे होता है और लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, और बात करेंगे डॉक्टर विक्रम चौहान और उनकी पूरी टीम से। पेशेंट से भी बात करेंगे कि उन्हें आयुर्वेद का कितना फायदा हुआ और कितने समय में हुआ। जैसे ही पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले गेट पे उनकी एंट्री होती है, आई होप यू हैव सीन दैट। फिर वो रिसेप्शन पे आते हैं, रिसेप्शन पे हम उनकी डिटेल्स देते हैं, लाइक पेशेंट का नाम, क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी एज है, कहाँ से आए हैं, कितने टाइम से वो इस डिजीज से परेशान हैं, और देन उनको नंबर मिल जाता है और नंबर के अकॉर्डिंग लाइक फर्स्ट सम फर्स्ट सर्व बेसिस पे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले उनकी सारी डिटेल्स ली जाती है, जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं। उसमें पेशेंट की डाइट क्या है, पेशेंट कब से बीमारी से परेशान है और लाइफस्टाइल कैसा है उसका, किसी और बीमारी से नहीं लड़ रहा, राइट। सो सारी जो उसकी दिनचर्या है हम कह सकते हैं, वो हम लेते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर साहब से मिलने जाते हैं। डॉक्टर विक्रम चौहान चंडीगढ़ के मशहूर आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं। वो प्रमुख आयुर्वेदिक क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सेंटर, ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, आयुर्वेद इंसाइक्लोपीडिया और हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी प्लेनेट आयुर्वेद के संस्थापक और सीईओ हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। डॉक्टर चौहान के पास बीएमएस के साथ साथ द्रव्य गुण में एमडी की डिग्री है। उन्हें 25 साल का अनुभव है और देश विदेश के हजारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं। सब आज हम आपके प्लेनेट आयुर्वेदा जो हॉस्पिटल है यहाँ पर आए हैं, हम एक बार ये बता दीजिए लोगों को, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। बेसिकली लोग सोचते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, वहाँ पे जाके हमारी जो हेल्थ है सिर्फ वहीं जाके ठीक हो सकती है। जो मेडिसिन हैं, जो कैप्सूल्स हैं, जो लिक्विड उनकी तरफ से मेडिसिन दी जाती हैं, उन्हीं से हमारी हेल्थ को फ़र्क पड़ता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से लोग बहुत डरते हैं। ये गलत भ्रांतियाँ हैं समाज में फैली हुई कि आयुर्वेद से पता नहीं आयुर्वेद की दवाई गर्म है, या आयुर्वेद की दवाई काम नहीं करती या धीरे काम करती है, ये सब कुछ, या आयुर्वेद में पता नहीं कौन से केमिकल डाले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ ये ज्ञान है। ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि पैदा करी थी, तो जो ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि को पैदा किया उन्होंने ये वेद हमें दिया। आयुर्वेद जो है उन्होंने उनके मुख से जो 1,00,000 श्लोक निकले इस मशीन को मेंटेन करने के लिए, और इस मशीन कैसे ये चालू रहेगी, कैसे इसकी सर्विस करनी है, कैसे इसको मेंटेन करना है, उसके लिए ब्रह्म संहिता नाम की एक संहिता में उन्होंने 1,00,000 श्लोक दिए थे। ये हमें आयुर्वेद में बताया गया है, तो ये हमारे जो रचयिता है उन्होंने दिया है ज्ञान ये वाला आयुर्वेद का। आयुर और वेद, जीवन का ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ लाइफ। तो इसमें जड़ी बूटियाँ जो हैं नेचुरल हैं, प्योरली 100% नेचर से जो पैदा होती है चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, उनसे हम मेडिसिन बनाते हैं और वही पेशेंट्स को देते हैं, उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर चौहान प्राचीन भारतीय उपचार पद्धति आयुर्वेद के ज्ञान का न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डॉक्टर चौहान को फैटी लीवर, किडनी फेलियर, दमा, घुटनों का दर्द समेत सभी प्रकार की पुरानी और नई बीमारियों के इलाज का अनुभव है। वो लक्षण के बजाय रोगों की जड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी के अनुसार इलाज करते हैं। बहुत लोगों को ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, डाउट रहते हैं। अभी एक पेशेंट थी तो उनको उनके हस्बैंड को डर था, वो हस्बैंड आए नहीं, पेश वाइफ आई है ट्रीटमेंट लेने के लिए कि सर उनके लीवर में इशू है। तो अभी उससे पहले एक पूरी फैमिली थी, फर्स्ट टाइम जो आए थे उनको सीवियर गैंग्रीन था, उनके जख्म था पैर में शुगर की वजह से। तो वो जख्म जब ठीक हो गया तो अब सारी परिवार को, 7-8 लोग परिवार के आए हैं, अभी आपके सामने ही थे जो सारी फैमिली आई थी, है ना। तो विश्वास बन जाता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद से बीमारियां ठीक होती हैं। मैंने उनको जख्म के लिए क्या दिया, हल्दी दी, नीम दी, इन्हीं जड़ी बूटी आंवला दिया और गुग्गुल दिया। तो ये बहुत स्ट्रांग एंटीबायोटिक है हमारे आयुर्वेद के। तो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी स्ट्रेन है वो भी गुग्गुल, नीम, हल्दी से ख़त्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं ना कि इन्फेक्शन हो गया, कोई दवाइयाँ एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही और बहुत टेस्ट करा लिए और सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, उसमें भी हमारी आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ काम करती हैं। तो बस सिर्फ ट्राई करने की देर है, एलोपैथिक डॉक्टर ट्राई नहीं करते हैं, वो अलाउ ही नहीं करते कि आप आयुर्वेद की दवाई जड़ी बूटी किसी पेशेंट को दे दें साथ में। तो आप ट्राई करके देखें, डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। उन्होंने गॉड्स मैनुअल फॉर हीलिंग किताब लिखी है, जिसका यूरोप की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उनके पास हीलर सर्टिफिकेट है,
जिससे उन्हें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, यूके, मध्य पूर्व के देशों समेत पूरी दुनिया में इलाज की अनुमति मिल जाती है। आयुर्वेद कहता है कि पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है, पांच तत्वों से सारी सृष्टि बनी है। विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्य अनला यथा धारयन्ति जगदेहं कफ पित्त अनला तथा, जैसे कफ पित्त और वात हमारे शरीर को धारण करते हैं वैसे सोम सूर्य अनिल जो है पूरी सृष्टि में, तो जो पांच तत्व जो दुनिया में हैं वही हमारे शरीर में हैं, उनका जब इम्बैलेंस हो जाता है उसको हम बोलते हैं कि ये डिजीज़ होगी। तो आप कैंसर कह लो उसको, आप कोलाइटिस कह लो उसको, आप ब्लड कैंसर कह लो, आप लिवर डिजीज़ लिवर फेल कह लो, किडनी डिजीज़ कह लो, स्किन डिजीज़ कह लो, इंग्लिश में है वो सब नाम, संस्कृत में तो नहीं है। संस्कृत में तो यही है कि जो आपके दोषों का इम्बैलेंस हो गया, आपके पांच तत्वों का इम्बैलेंस हो गया, उसको बैलेंस कैसे करना है। तो आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ बताई गई हैं, डाइट बताई गई है, लाइफस्टाइल आहार विहार विचार, इससे आपके जो तत्व हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और उससे जो डिजीज़ है वो गायब होनी शुरू हो जाती है। उससे हमें कोई ज़रूरत नहीं है। विकारो नाम अकुशला ना जीरियत कदाचिन ना ही सर्वे रोगा ना नाम मस्तो दुर्वा स्थिति, सभी बीमारियों के नाम नहीं लिखे जा सकते ना ही ढूंढे जा सकते हैं, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये आयुर्वेद में ये श्लोक मंत्र दिए गए हैं कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर्स को कि आपने कैंसर का पेशेंट देख लिया कि इसको ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, इसको फलाना कार्सिनोमा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो सिंपल देखना है कि इसका पित्त तो नहीं बढ़ गया, इसका वात तो नहीं बढ़ गया, इसका कफ तो नहीं बढ़ गया, या कौन सा इम्बैलेंस है। तो उस इम्बैलेंस के हिसाब से हमारे जड़ी बूटियाँ डिसाइडेड हैं पहले से ही, वही देनी है, उससे वो ठीक हो जाएगा। यूरोप में एक्सीलेंस सेंटर ऑफ आयुर्वेद की स्थापना करने के लिए उन्होंने PEACENGO की स्थापना की। वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर बीमारियों को रोकने और स्वस्थ रहने में लोगों की मदद करने के मिशन पर हैं। प्लेनेट आयुर्वेदा में एक्सपर्ट डॉक्टरों के साथ वो खुद दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ और धनवान बनाने में जुटे हुए हैं। www.planetayurveda.com पर आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। आयुर्वेद लोगों को ये भी गलत फहमी कि आयुर्वेद 6 महीने लेता है, 1 साल लेता है। आयुर्वेद 1 मिनट में भी काम करता है, 1 सेकंड में भी काम करता है। आप काली मिर्च लीजिए, अदरक लीजिए और उसको मिक्स कीजिए, तुलसी लीजिए और अपने उसमें डालिए मुँह में, तो देखो आपको कितने सेकंड में आपको फ़र्क लगता है। तो ये जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत जल्दी से असर करती हैं। अदरक का रस पीजिए जुकाम खांसी जुकाम में, तुलसी का रस पीजिए। और लोगों के प्लेटलेट बढ़ते ही नहीं है, मैं उनको सिंपल बोलता हूँ, सिंपल दुर्वा घास का रस लीजिए, सिंपल घास, और धनिया का रस लीजिए, धनिया पुदीना पपीते के पत्तों का रस लीजिए, आंवला डाल लीजिए थोड़ा उसमें, व्हीट ग्रास डाल लीजिए, ग्रीन जूस बना करके 50 ml लीजिए, तो आपके प्लेटलेट विद इन 1 डे बढ़ जाएंगे। रेड जूस लीजिए शाम को, उसमें चुकंदर गाजर अनार सेब ये डाल के उसका रस पियो, आपके प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। तो ये सिंपल सा फार्मूला प्लेटलेट बढ़ाने का तो घर घर में उपलब्ध है, यही आयुर्वेद है। तो इसी से पित्त शांत हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाना मतलब पित्त बढ़ जाना। तो ये जो ठंडी जड़ी बूटियाँ मैंने बताई हैं, तो कईयों को ये भी है कि आयुर्वेद बहुत गर्म है। अब धनिया क्या गर्म है, धनिया बहुत ठंडा है। किसी को एसिडिटी है, मान लो किसी को अल्सर है पेट में, वो धनिया का रस पी ले उसका अल्सर ठीक हो जाएंगे। किसी को कॉलन में अल्सर है, वो धनिया का रस पी ले उसका ब्लड आना बंद हो जाएगा, कोलाइटिस जिसको बोलते हैं। तो ये बहुत सारी सिंपल सिंपल जड़ी बूटियाँ बहुत कारगर हैं और बहुत जल्दी असर करती हैं। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में किसी को ब्लड आ रहा है एवरी डे, तो सिंपल धनिया जो है उसका 50 ml जूस और उसमें दुर्वा घास का रस मिक्स कर ले, या शीशम के पत्ते का रस मिक्स कर ले, या गेंदे के फूल का रस मिक्स कर ले, या अकेला धनिया का रस भी पी ले, उससे उसका ब्लड आना बंद हो जाएगा। प्लैनेट आयुर्वेदा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने 25 साल पहले इसको शुरू किया था। पूरे प्लैनेट पे आयुर्वेद को फैलाने का मैंने एक मिशन सोचा था, तो वो मिशन अभी तक चल रहा है। काफ़ी कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, साउथ ईस्ट एशिया में, अफ्रीका में, सिंगापुर में, सब जगह हमारे प्लैनेट आयुर्वेदा के खुद जाते हैं, ट्रैवल करते हैं सर? मैं खुद जाता हूँ, वहाँ पे पेशेंट्स देखता हूँ, मेरे पास टीम है डॉक्टर्स की, वो सब जाते हैं, उनको हम यहाँ से भेजते हैं, वो क्लासेस भी लेते हैं, वहाँ पे आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं यूरोप के, वो आयुर्वेद पढ़ने के इच्छुक हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो एक पीस नाम की हमने एक संस्था भी बनाई है वहाँ पे, और एक प्लैनेट आयुर्वेदा एंशियंट विजडम स्कूल भी है हमारा, जो हम वहाँ पे पढ़ाते हैं आयुर्वेद पढ़ाते हैं। एंशियंट विजडम मतलब ये आयुर्वेद की जो विजडम है, तो ये लोग पढ़ रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं।
और हमारे देश के जो लोग हैं वो अभी भी डाउटफुल और स्केप्टिकल हैं कि ये आयुर्वेद काम करता है कि नहीं करता है, कि कैसे काम करेगा। तो ये डाउट्स जो है वो निकालने पड़ेंगे, इसको अपनाना पड़ेगा, जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं उनको भी सीखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, और डेफिनेटली जो है धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और लोगों को बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। जो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो। सबसे पहले प्रिवेंट करने की जिम्मेवारी किसके पास है? आपके अपने पास। तो आयुर्वेद में बताया गया स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का एम क्या है, मकसद ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो उसका तरीका क्या है? अपना आहार जो है डाइट अपनी ठीक रखो, फास्ट फूड जंक फूड मत खाओ, पानी प्रॉपर पियो और एक्सरसाइज ज़रूर करो। एक्सरसाइज में आपका योगा आ गया, प्राणायाम आ गया, वो रेगुलर करो। तो अगर आप एक्सरसाइज करोगे, योग प्राणायाम करोगे, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन जब ज़्यादा होती है ना हमारे शरीर में तो कैंसर पैदा ही नहीं हो सकता। तो ये ऑक्सीजन की कमी नहीं होने से ये आप बीमारियों से बच सकते हो। तो ये जो सिंपल सा मैसेज है आयुर्वेद का कि आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में कंट्रोल लीजिए, अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने आहार और अपने विचार से, अपने विचारों को भी, नेगेटिव विचारों को भी ख़त्म करो और खुशी खुशी अपने हेल्दी लाइफ को आगे बढ़ाओ। 2023 के अंदर मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी गैंग्रीन की, और क्योंकि मैं प्री डायबिटिक पेशेंट हूँ, बीपी की भी मुझे प्रॉब्लम थी। तो इन सारी प्रॉब्लम से मैं दिल्ली के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें अपना इलाज करवा रहा था, जैसे आपका गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, बीएल कपूर हो गया, मैक्स हो गया। और यहाँ एक साल के पूरे ट्रीटमेंट के बावजूद मुझे वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। फिर मेरे किसी नॉन रिश्तेदार की एक रिकमेंडेशन के साथ मुझे पता चला कि प्लैनेट आयुर्वेदा एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा ट्रीटमेंट वो प्रोवाइड करते हैं जहाँ आपकी इन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एक छत के नीचे एक साथ मिलेगा। जबकि मैं सर्जरी भी फेस कर चुका था, शुरुआत में मुझे यकीन सा नहीं हुआ कि ऐसा शायद पॉसिबल है कि नहीं। उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए, आप जाके देखिए, आप इलाज करवाइए, वहाँ से आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। मैं प्लैनेट आयुर्वेदा चंडीगढ़ की शाखा में आया, यहाँ डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को तरीके से सुना, सारी डिटेल मेरी जानकारी ली, किस तरह से मुझे बीमारी हुई, क्या क्या मुझे तकलीफ़ें हैं, क्या क्या मुझे परेशानियाँ, क्या मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ अब तक। और सारी तकलीफ़ें देखने के बाद, सारे मेडिसिन को देखने के बाद, उन्होंने जो मुझे प्रिस्क्राइब किया कि आप ये सारी मेडिसिन आज से बंद कीजिए और आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आप शिफ्ट कीजिए। शुरू में मैं डर गया क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और मैं डायबिटिक भी इंसुलिन पे था। अब एक इंसुलिन पेशेंट के लिए ये सुनना कि आप इंसुलिन लेना बंद कर दीजिए, दवाइयाँ लेना बंद कर दीजिए और सीधा आयुर्वेदिक को शिफ्ट कर दीजिए, तो थोड़ा मुश्किल होता है इस बात को समझना कि कैसे यकीन कर सकता है आदमी कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि आप विश्वास और यकीन से आप ये दवाइयाँ लीजिए, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। और यही विश्वास के साथ मैंने उनकी दवाइयाँ ली और मुझे धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया। और आज 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इतना आराम है कि जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के पास आया था मैं व्हील चेयर के ऊपर था, और आज मैं अपने पैरों पर चल के आया हूँ यहाँ पर और उनसे पूरा ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी को छोड़िए, आयुर्वेदिक की तरफ शिफ्ट कीजिए। ये एक ऐसा इलाज है जिसमें आपको आपकी बीमारी से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि एलोपैथी जो ट्रीटमेंट से आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं और ना सिर्फ जेब का भी नुकसान कर रहे हैं, उससे आप बच पाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप आयुर्वेदिक इलाज की तरफ शिफ्ट कीजिए, प्लैनेट आयुर्वेदा को एक्सेप्ट कीजिए। डॉक्टर चौहान को भारत सरकार ने राजीव गांधी नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया है। भारत सरकार के आयुष और रक्षा मंत्री श्रीपाद यसो नायक ने उन्हें आयुर्वेद गौरव अवार्ड नवाजा है। डॉक्टर चौहान पंजाब राज्य धनवंतरी अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के हाथों उन्हें इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2024 मिल चुका है। पद्म श्री कंगना रनौत ने प्लैनेट आयुर्वेदा को 2023 के बेस्ट आयुर्वेद कंपनी अवार्ड से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई और सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।
सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि जो हमारी मेडिसिंस हैं जितनी भी, ये विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स हैं और इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अगर आप जो है आयुर्वेदा एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग लेते हो इन्हें, जैसे वो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ठंडी पुड़िया बना रहे हैं जो हमारे यूजुअली पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ मेजरली जो इश्यूज़ आते हैं वो पित्त दोषा से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, ITP हो गया, ठीक है, या फिर जितनी भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं, क्रॉन्स डिजीज़ ले लीजिए, या फिर आप IBS ले लीजिए, या फिर किसी भी प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो यहाँ ठंडी पुड़िया हम बना रहे हैं, ये हमारे फार्मासिस्ट आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये ठंडी पुड़ियाँ बनाई जाती हैं। बेसिकली इसमें जितने भी इन्ग्रीडियंट्स रहते हैं वो सारे भस्में होती हैं। एक इन्ग्रीडियंट इसमें हर्बल है जो है गिलोय सत्त, और प्रॉपर ये जो फॉर्मूला है वो डॉक्टर विक्रम सर द्वारा ही हमें बताया गया है और ये उनके 25 साल के एक्सपीरियंस के साथ बना हुआ फॉर्मूला है। और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास जो उनके एक्सपीरियंस के साथ बनाए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे ये यकृत प्लेहान तक चूर्ण है, दिस इज़ फॉर एनी काइंड ऑफ लिवर डिसऑर्डर, किसी भी प्रकार की आपको लिवर से संबंधित बीमारी है। इतना ही नहीं बल्कि आप इसको तब भी ले सकते हैं अगर आप अपने लिवर को फिट रखना चाहते हैं। फिर हमारे पास अर्जुन टी है, ये जितनी भी हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे हाई BP हो गया या लो EF की बीमारी रहती है जिसमें जो है वो हमारा LV EF लो हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। अदर देन दैट अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। तीसरा हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं नरिशमैक्स पाउडर है, ये जितने भी जिम गोइंग पीपल है, आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जिम गोइंग पीपल जो हैं वो क्रिएटिन से बना फॉर्मूला ले रहे हैं और उसके साथ हमें देखने को मिल रहा है साइलेंट हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक की बीमारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो उसके लिए ये सेफ फॉर्मूला है, वो इसे ले सकते हैं। अदर देन दैट वी हैव लिवर सपोर्ट टी, ठीक है, जो यहाँ रख रखी है, विटामिन D3, मल्टी विटामिन अगर लेना चाहते हैं या विटामिन डेफिशिएंसीज के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो वो नेचुरल फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। एक्चुअली मैम देखो ये भी होता है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होते हैं उसको लेकर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं, लोग बड़ा उठाते हैं। डेफिनेटली भाई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में हमें विश्वास नहीं है, हमें इनका साइड इफेक्ट होता है और हमें एक डर रहता है। आयुर्वेदिक आपकी श्योरिटी आपके एंड से क्या है कि भाई ये ट्रीटमेंट या ये आयुर्वेदिक मेडिसिन उनकी लाइफ में अच्छा वर्क करती है, हमारे पास इस चीज़ का है प्रूफ? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने बात करी कि पुराने ज़माने में ये जड़ी बूटियाँ काम कर रही थी, आज के ज़माने में किसी को विश्वास नहीं है इस चीज़ पे। तो उनका मैं सबसे बड़ा डाउट ये क्लियर करना चाहती हूँ, ये काम अब भी कर रही हैं, बट आपका क्या है कि जो पुराने ज़माने में डाइट और लाइफस्टाइल था वो इतना अच्छा था कि उनको इमीडिएट रिजल्ट मिलते थे। सो इफ़ यू वांट कि आपको ये मेडिसिन लेनी है और इसका आपको जो रिज़ल्ट है वो इमीडिएट मिले, तो आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल जो पुराने ज़माने में लोग फॉलो करते थे वो भी फॉलो करना पड़ेगा। और रही बात इनके साइड इफ़ेक्ट्स की, ये हमारी जो है वो थॉट में हमारे बैठा हुआ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जी वो हमें सूट नहीं करती हैं, ये गर्म होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी आयुर्वेदा एक्सपर्ट के मद्देनज़र रखते हुए उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो ये मेडिसिन्स, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर बात करी जाती है कि जी इनमें स्टीरॉयड्स हैं, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स पाए जाते हैं, हमें नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। तो देखो जो हमारी मेडिसिन्स हैं उनके ऊपर लेबलिंग करी गई है इन बाकी आप जो है वो आप इनकी टेस्टिंग भी करवा सकते हो कहीं पे भी लेके जाके, इनके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं कि इनमें क्या डाला गया है, स्टीरॉयड्स बिल्कुल भी नहीं है इन मेडिसिंस में। इवन तो ऐसा ही हमारा जो फॉर्मूला ठंडी पुड़िया है वो हम आपको अगर बना के दिखाएंगे तो आप देख पाओगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, इसमें स्टीरॉयड्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, ये सेफ़ है यूज़ के लिए, बस आपको जो है वो गाइडेंस के अंडर लेनी है ये मेडिसिन। सबसे पहले जो है ये ठंडी पुड़िया बन रही हैं, इसमें पहले हम प्रवाल पिष्टी डालेंगे, ठीक है, ये 5 ग्राम रहती है इसमें। इसी प्रकार जो डोज है वो विक्रम सर द्वारा हमें बताई गई है कि कितनी चीज़ क्या डालनी है। अभी ये रजत भस्म डाल रहे हैं इसमें, ऐसे प्रवाल ही पिष्टी और रजत भस्म है क्या बेसिकली? बेसिकली ये मिनरल फॉर्मुलेशन हैं, ठीक है, और रजत भस्म जो है वो सिल्वर का भस्म है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जहर मोरा पिष्टी, कामदुदा रस, अकीक पिष्टी, गिलोय सत्व, मुक्ता पिष्टी, रजत भस्म, ये सारी चीज़ों को 9 चीज़ें हैं, इनके साथ ये पुड़िया बनाई जाती हैं। ये यूजुअली ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अगर किसी को पित्त दोषा से रिलेटेड बीमारी है तो हमें लेनी है, ये
जब भी हमारी तरफ से आपको गाइड किया जाएगा तभी इनको लेना है, क्योंकि ये स्ट्रांग रहती है और ये थोड़ा लिवर वाली बीमारी अगर किसी को है या किडनी डिसऑर्डर है उसमें थोड़ा हम परहेज़ करते हैं इसका, बिकॉज ये मिनरल फॉर्मुलेशन है तो लिवर और किडनी के लिए ये सही नहीं रहेगा। ये बेसिकली ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, अगर किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है किसी भी कंडीशन में या पित्त से रिलेटेड कोई भी, पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है आजकल धूप में, लोग यू नो कई बार आपके नाक से या कई बार बॉडी से ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो आप ये मेडिसिन उस चीज़ को रोक सकती है? डेफिनेटली, बट ये बहुत इमीडिएटली नहीं हमें देना होता है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोई क्रॉनिक कंडीशन है, इन दैट केस वी हैव टू गिव दिस। अभी ये क्या डाल रहे हैं? अभी ये अकीक पिष्टी डाल रहे हैं। ओके, हाँ जी। तो ये जो फॉर्मुलेशन है मेनली हम आईटीबी के पेशेंट्स में देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है, लेडीज़ हैं उन्हें पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है, तो उस दौरान ये हम देते हैं पुड़िया, अगर बाय चांस कोई हर्बल फॉर्मुलेशन नहीं काम करती है उनको कुछ स्ट्रॉन्ग देने के लिए। और ऑन द अदर हैंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी दी जाती है ये, क्रॉन्स डिजीज़ में, आईबीडी में, आईबीडी की ये दो टाइप्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स, और किसी भी अदर पित्तज कंडीशन में जिसमें पित्त दोष बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जैसा कि ये हिस्ट्री रूम है तो रिसेप्शन के बाद सबसे पहले पेशेंट यहाँ आता है, ठीक है, तो हम हिस्ट्री में हम प्रॉपर उसकी सिम्टम या उसकी बीमारी हम पूरा इंक्लूड करते हैं, तो जैसे पेशेंट अगर ऑन गोइंग है या न्यू है तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास होता है, तो सबसे पहले पेशेंट आता है तो हम पूछते हैं कि उसको क्या बीमारी है, ठीक है, या उसके अलावा उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज़, थायराइड या शुगर वगैरह, बीपी वगैरह की दिक्कत है तो हम वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद उसके चीफ सिम्टम्स वगैरह जो भी होते हैं कि उसको कोई डिजीज से रिलेटेड कोई सिम्टम आ रहा है बॉडी में, तो हम उसका पूरा ब्रीफ लिखते हैं कि कोई एसिडिटी या कोई डिजीज से रिलेटेड कोई भी सिम्टम है, हम उसका पूरा ब्रीफ लेते हैं, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री हम लिखते हैं जिसमें हम उसके एपेटाइट, स्लीप, बाउल, यूरिन वगैरह की हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं। तो वैसे आयुर्वेदा होता है लोगों का लास्ट ऑप्शन होता है, तो एलोपैथी में सारी तरह जाके फिर लास्ट में आयुर्वेदा पे पेशेंट आता है, तो ऑलमोस्ट पेशेंट के पास सारी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती है उसकी डिजीज से रिलेटेड वो सारी होती हैं, तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं अगर किसी पेशेंट के पास रिपोर्ट्स वगैरह हैं। बाकी हमारे जैसे आयुर्वेदा में डायग्नोसिस हम नाड़ी चेक करके भी करते हैं, तो बाकी हमारे आयुर्वेदा का हम वो इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद हम डाइट का मेनली ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को डिजीज से रिलेटेड हम डाइट है वो प्रॉपर बताते हैं कि किस चीज़ में उसको क्या खाना है, किस चीज़ में क्या अवॉइड करना है, वेजिटेबल्स, कोई फ्लैश फूड है या मिल्क प्रोडक्ट है या फ्रूट्स है या कोई अदर होम रेमेडी है या कोई हर्बल रेमेडी है, कोई एक्सरसाइज है, योग है, हम उसका पूरा ब्रीफ समझाते हैं पेशेंट। आयुर्वेदिक में पिछले 22 इयर्स से जुड़े हुए हैं। ओके। एंड यू वोंट बिलीव कि हम अपनी फैमिली में भी वी ऑलवेज ट्राई कि हम इवन मैं अपने पेट्स को भी आयुर्वेदिक ही देती हूँ, क्योंकि हम देखो पिछले 22 इयर्स से प्योरली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक से क्रॉनिक, जैसे कि कैंसर, आईटीपी, प्लेटलेट की प्रॉब्लम कोविड के बाद बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको प्लेटलेट डाउन विदाउट रीजन, उनको पता भी नहीं होता, वो टेस्ट कराते हैं अचानक से ब्लू स्पॉट्स पड़ रहे हैं, चेक कराते हैं तो पता लगता है कि प्लेटलेट डाउन है। तो हम ऐसे क्रॉनिक ट्रीटमेंट्स, लिवर फेलियर, प्लेटलेट्स का, किडनी फेलियर, कैंसर्स, हर तरह के ब्रेन ट्यूमर्स, ओवेरिस में सिस्ट, किसी को सर्विक्स में सिस्ट,
हमारे पास कोई लेबोरेटरीज वाले नहीं आते बिकॉज हमारे पास मोटी मोटी फाइल्स लेके पहले से ही लोग आए होते हैं। फिर जब वो हमसे बेचारे दोबारा पूछते हैं ना मैम कोई टेस्ट कराना है, मैंने कहा कुछ कराने को रह नहीं गया, अब आप शांति से अपनी पल्स दिखाओ, बात बित कफ आपका चेक करेंगे, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट चार्ट समझाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस करोगे, आयुर्वेदिक प्योर मेडिसिन खाओगे, हम इवन काउ थेरेपी भी करते हैं, काउ यूरिन थेरेपी होती है, कुछ मेडिसिन को काउ यूरिन से कंज्यूम करना होता है, उसका इफेक्ट वो 10 times बढ़ जाता है। देखो हमारा डॉक्टर विक्रम का ओपीडी सिर्फ 2 दिन रहता है, नॉर्मली डॉक्टर्स आर देयर इन देयर क्लिनिक्स 7 days या 6 days या इवन लेट नाइट भी बीच में घंटे का ब्रेक लेते हैं आपके, बट 2 दिन का ओपीडी का मतलब ये है कि वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग प्योर मेडिसिन। डॉक्टर विक्रम खुद से ट्रैवल करते हैं हिमालयाज में, हम जड़ी बूटियाँ हमारी कहाँ से आ रही हैं, कुछ केरला से आती हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट को चेक करना, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोसेसिंग, हमें ये होता है कि अगर जो चीज़ हमने लिखी है अपने लेबल पे वही प्रॉपर डली होगी और उसी मात्रा में डली होगी तो उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि लोगों का अपने आप ही आयुर्वेद पे विश्वास बनता है, जो अभी तक टूट गया था क्योंकि कुछ लोग उसमें स्टीरॉयड मिक्स करके दे रहे थे, बहुत ज़्यादा कल्चर था कि थोड़ी सी कोई भी पाउडर मिक्स किया और साथ में स्टीरॉयड पीस दिया, तो उस वजह से आयुर्वेद का नाम बदनाम होता जा रहा था और डाउनफॉल शुरू हुआ था। बट जो ये इतनी गहरी साइंस है, आफ्टर ब्रिटिश रूल भी इतने ग्रंथ जला दिए गए बट स्टिल इट इज अलाइव टुडे, और आफ्टर कोविड तो उसका रीबर्थ हो गया। क्योंकि कोविड एक बहुत एक बड़ा टाइम पीरियड था हर एक की लाइफ में, और डेफिनेटली आज के टाइम पे भी एक बहुत सारी डिसीज जो हैं वो काफ़ी यू नो ज़्यादा हाइप देखने को मिलती है अलग अलग शहरों में, गाँव में, यू नो बहुत सारी सिटीज़ में, क्योंकि जो आजकल तो मैम वैसे यंगर एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, है ना, तो आई डोंट नो कि क्या उनका लाइफस्टाइल में क्या फर्क है, ये उनको देयर इज अ रिसर्च गोइंग ऑन जर्मनी में हो रही है जिसमें कि दे हैव चेक्ड कि हमारा एक एक्स्ट्रा कुछ कोड जनरेट हो गया डीएनए में आफ्टर कोविड या वैक्सीनेशन से, तो उसको खत्म करने का भी सिर्फ जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है इट इज कि आप रेगुलर में हल्दी वाटर पीना शुरू करो। हम अपने हर पेशेंट को बोलते हैं कि हल्दी वाटर डेली सिर्फ आधा चम्मच एक ग्लास पानी में रेगुलर इनटेक रखना, बिकॉज इट इज इट विल मेल्ट आउट एवरीथिंग जो आपके जेनेटिक कोड तक चला गया। ये हमारा कंप्लीट प्लैनेट आयुर्वेद का एक सेगमेंट है जहाँ पे वी आर इनटू स्किन केयर आल्सो, क्योंकि हमने बहुत खतरनाक बीमारियों की बात कर ली बट लोगों को स्किन केयर और ग्लैमरस दिखना बहुत जरूरी है, तो ये हमारा स्किन केयर का सेक्शन है जिसमें हम प्योरली आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक रेंज बना रहे हैं, जैसे कि उसमें हम कई तरह के सिरम्स बना रहे हैं, डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, शैम्पूस हैं, एंड हमारा पेट रेंज भी आता है जो मैंने आपको बताया, उसमें हम एनिमल्स के लेकर उनका शैम्पू कंडीशनर प्लस टिक्स के लिए जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं एलर्जी की, तो उसकी कंप्लीट रेंज हमारे यहाँ पर मिलती है। एंड प्राइजेस जो हैं जो क्वालिटी के साथ वो अफोर्डेबल रहते हैं नॉर्मल पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल अफोर्डेबल रहते हैं जी, एंड कई बार हम बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी ऑफर कर देते हैं। अपने प्रोडक्ट्स पे और ट्रीटमेंट पे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। वी ऑलवेज वॉन्ट कि हमारा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मासेस के लिए रहे, एंड अब तो विद द हेल्प ऑफ आयुष गवर्नमेंट आगे आगे दे आर ऑल्सो कवरिंग मेडिकल इंश्योरेंस फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। एंड एक चीज़ ये भी है मैम, इंडिया के साथ साथ यू नो प्लैनेट आयुर्वेदा के अब्रॉड में भी अवेलेबल है? हाँ जी, कंप्लीट रेंज हमारा अब्रॉड में, कितनी सिटीज में है? यूरोप में पूरा फुली यूरोप में अवेलेबल है, हमारा यूएसए में अवेलेबल है, कनाडा में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, इवन दुबई में अवेलेबल है। मेरा नाम प्रियंका है और मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी पिछले ही साल डिटेक्ट हुई थी। मैंने एक साल एलोपैथी की दवाई खाई, शुरू में तो मुझे मतलब काफ़ी रिलीफ मिला, लेकिन जब दिसंबर में दोबारा मेरे को प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई और एलोपैथी की दवाई मैंने पीजीआई हॉस्पिटल से भी खाई लेकिन मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद मेरी बीमारी जो है वो बढ़ती गई। फिर मैंने यूट्यूब पे एक बार मतलब सर का नाम, सर का चैनल देखा था प्लैनेट आयुर्वेदा नाम से, तो वहाँ से मैंने वीडियोज़ देखी काफ़ी सारी, उसके बाद मैं यहाँ पर आई मई 2024 में और मेरे को 5 months हो गए हैं मतलब दवाइयाँ लेते हुए और अब मुझे रिलीफ है, 50% रिलीफ है। और अभी मेरा एक टेस्ट भी हुआ है फीकल कैल प्रोटेक्टिव नाम का, उसमें मतलब दिखाया रहा है कि 50% रिलीफ है पहले से, और सर बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और सर मतलब भरोसा देते हैं कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे।